गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने कहानी लेकर। ये कहानियाँ आपको जरूर पसंद आएगी जी। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको हमारी कहानियाँ पसंद भी आएगी और आप तक पहले भी पहुँचेगी। तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। उम्मीद है कि आप इस कहानी को सुनने के लिए ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि यह कहानी रियलिस्टिक लगे तो आप अपनी आँखों को बंद कर सकते हैं। अब कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों ये कहानी किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां है जो मैं आप सबसे कहने जा रही हूँ। दोस्तों अभी कोरोना चल रहा है तो घर पर ही रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अब कहानी शुरू करती हूँ। ये कहानी जिस लड़की की है वो कहती है मेरे शादी अजय से हुई है। मेरे पति अजय ड्राइवर है। अजय की दो कार है। इस कार से हमारा घर अच्छे से चल रहा है, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वो ही होता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे पति अजय को जुआ खेलने की लत लग गई। मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। अजय रोज जुआ खेलने लगा। शुरुआत में वो खूब जीतते थे। उस वक्त भी उन्हें बहुत समझाते कि ऐसा मत खेलो, लेकिन वो मेरी बात सुनते कहाँ। वो बोलते थे कि कुछ नहीं होगा, ज़्यादा तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, पत्नी को उनसे कुछ नहीं बोलना चाहिए अगर पति कुछ कहे। जब कभी ज़्यादा तू तड़ाक हो जाती तो वो कभी कभार मुझे मार भी देते। मैं बेबसी में चुप हो गई। फिर मैंने उनसे जुआ आदि खेलने के लिए बोलना छोड़ दिया। दोस्तों लेकिन मैं परेशान बहुत थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पति को जो लत लगी है वो बहुत बुरी है और इससे सब चीज़ें बर्बाद हो सकती हैं। और बोलते हैं ना कि लालच बड़ी ख़राब चीज़ है। बस मेरे पति के साथ कुछ ऐसा ही समय आया। मेरे पति जुआ में हारने लगे। हारते हारते धीरे वो सब पूंजी हारने लगे। उन्होंने अपनी कार भी बेच दी, घर भी बेच दी, मेरे शादी के गहने तक बेच दिए। अजय को जुआ की लत ऐसी लग गई कि वो जुआ खेले बिना रह ही नहीं पाते। अब दोस्तों इन सब से मैं बहुत परेशान हो गई थी। समय आ गया कि मेरे पति के पास कोई काम ही नहीं रह गया था और ना ही घर। फिर हमको दूसरी जगह किराए का मकान लेना पड़ा। जहाँ मकान लिया था वो एक कॉलोनी थी जहाँ सभी किस्म के लोग रहते थे, मगर कुछ शरीफ तो कुछ अच्छे बिना अच्छे लोग। ये मकान भी बस नाम का ही मकान था। इसमें एक कमरा था। कमरा के अंदर ही किचन साथ था। आप सोच सकते हैं कि कैसे मकान होगा, लेकिन किराया कम था इसलिए हम रहने लगे। हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि सुबह से शाम तक यही सोचना पड़ता कि घर कैसे चलेंगे। इतना कुछ हो गया मगर मेरे पति अभी भी नहीं सुधरे। फिर मुझे एक स्कूल में काम मिल गया। वो मेरे पास से पैसे लेते और जुआ खेलने चले जाते। अगर मैं उन्हें पैसे नहीं देती तब वो बाहर से उधार लेते। बाहर से कोई कितने दिन और कितना उधार दे। आखिर वो उधार मिलने का रास्ता भी बंद हो गया। फिर एक दिन हमारे घर एक इकबाल सिंह नाम का पंजाबी आदमी आया। इकबाल सिंह के बारे में बता दूँ, इकबाल सिंह जुए का अड्डा चलाते। उसका हमारा एरिया में बहुत नाम था। इकबाल सिंह सब बुरे काम करते, दारू बेचना, जुआ अड्डा चलाना आदि ऐसे काम। उनका बहुत नेताओं से भी कनेक्शन था, इसलिए पुलिस भी उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक दिन की बात है, इकबाल सिंह हमारे घर आए। तब मैं अकेली थी। वो मुझसे बोले, तेरा पति अजय कहाँ है? मैंने बोला, जी वो बाहर गए हैं, क्या काम है? तब इकबाल सिंह बोले, जब वो आए तो बोलना इकबाल सिंह आए थे। मैंने बोला, ठीक है, कह दूँगी। जब इकबाल सिंह घर आया था उस समय मैंने साड़ी पहनी हुई थी। इकबाल सिंह मुझे घूर रहा था, इसलिए मैंने इकबाल सिंह को ठीक से जवाब मतलब भाव नहीं दिया। वो गुस्से से मुझसे घूरते हुए चला गया।
फिर 2 दिन बाद रात के 8 बजे करीब इकबाल सिंह मेरे घर आया। उसके साथ एक दूसरा आदमी धीरज भी था। धीरज हमारे कॉलोनी में ही रहता था और हमारे मकान का मालिक भी था। वो दोनों साथ आए थे। इकबाल सिंह के पास एक बैग था। मेरे पति घर पर ही थे। इकबाल सिंह और धीरज ने मेरे पति से बात करना शुरू कर दिया। धीरज बोले, अरे अजय कैसा है रे? मेरे पति बोले, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों यहाँ इस समय कैसे? इकबाल सिंह बोले, यार तू 2 दिन से अड्डे पर नहीं आए, इसलिए हम चले आए। फिर मेरे पति बोले, यार मेरे पास पैसे नहीं है और बाहर भी उधार आ चुका है, कैसे आता? धीरज बोले, अरे अजय क्या यार, हम तेरे दोस्त हैं, चल आज तेरे घर पर ही खेलते हैं। और आज इकबाल चिकन और बिस्की लेकर आया था, भाभी जी तरह चिकन तैयार कर देना। इकबाल ने अजय को बैग दे दी। मेरे पति ने बैग से निकाल कर एक पैकेट दिया, उसमें चिकन था। वो तो बोले, लो बना दो। मैं थैली लेकर अंदर चिकन बनाने लग गई। उस समय इकबाल और धीरज मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन मेरे पति को जैसे कुछ ध्यान ही नहीं था। उसे तो बस फ्री की पार्टी मिल गई। अब वो तीनों खेलने लगे। धीरज ने मेरे पति से बोला, अरे तेरे पास कुछ है नहीं, खेलेगा कैसे? इकबाल बोले, अरे धीरज इसके पास है। धीरज बोले, अजय के पास क्या है? इकबाल सिंह बोले, अरे इसकी वाइफ है ना। इस बात पर मेरे पति गुस्सा हो गया और बोले, ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? धीरज हंसते हुए बोला, अरे अजय देख गुस्सा मत कर, वैसे भी तूने 3 महीने से मकान का किराया दिया नहीं है और तुझे इकबाल का जुआ का पैसा भी देना है, तो अपनी पत्नी को धाव पे लगा दे। जीत गया तो कर्जा चुका देना और यदि हार गया तो सब कुछ के लिए हमारे साथ तैयार हो जा। वैसे भी कौन सी सिल है उसकी? मुझे इस पर बहुत गुस्सा आई। उनकी बात सुनकर मैं बोली, ये तुम लोग क्या बोल रहे हो, सब नहीं आती तुम लोगों को? इतना में मेरे पति बोले, चुप रहे, ये सही बोल रहे हैं। वो दोनों हंसते हंसते गेम खेलने लगे। मेरे पति मुझे दांव पर लगा दिए। इकबाल और धीरज जीत गए और मेरे पति से बोले, अजय चल आज तू ऊपर छत पर सो जा, अब हम जीत के जश्न मनाएंगे। मेरे पति नशे में टले हो गए। वो लड़खड़ाते हुए उठे और बाहर से दरवाज़ा बंद कर छत पे चले गए। मैं बहुत डर गई थी दोस्तों। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त कि मैं क्या करूं। मुझे एक पल के लिए लग रहा था कि मैं जल्दी से पुलिस स्टेशन चल जाऊं। उसके बाद इकबाल बोले, क्या तुम मेरे यहाँ पे काम करोगे? मैंने कहा, क्या काम? तो उन्होंने कहा, डांस। तो मैंने कहा, डांस नहीं आता मुझे। तो उसने कहा, चिंता मत कर, सिखा दूंगा। वैसे भी 1 महीने में तुम जितना कमाती हो 1 दिन में कमा लोगी। मैं बस सोच ही रही थी। उसके बाद ऐसे ही पूरी रात चला। सुबह 5 बजे तक वो रुके। इकबाल, मैं बोली कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, तुम टाइमिंग बताओ। इकबाल सिंह बोले, तुम स्कूल जाती हो 10 से 5 ना, बस वो टाइमिंग रहेगी। मैंने कहा, मैं कल से आ जाऊँगी। उसने कहा, ठीक है हम इंतज़ार करेंगे। और उसके बाद दोस्तों सुबह हो गई थी, मुझे भी जॉब मिल गई थी। अब 1 महीने में मैं जितना कमाती थी वो बस 1 दिन में कमाती हूँ, मतलब 30 गुना। और मैं लाइफ में खुश हूँ क्योंकि मैंने बहुत कष्ट किए ज़िंदगी में, अब मैं और कष्ट नहीं कर सकती। पता नहीं, शायद आप लोग मुझे जज करेंगे, लेकिन मैंने सच में बहुत कष्ट किया। अब मुझसे इतना कष्ट नहीं किया जाता। मेरे पति ने ये सब कुछ खो दिया था, इसलिए अब मेरी भी कुछ गलती नहीं है। दोस्तों ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। क्या इस लड़की ने डांस करने का जो फैसला लिया वो सही लिया? आखिर पैसे तो बहुत मिल रहे थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर, बाय।